नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय यादव आप सभी के यूट्यूब चैनल दिल्ली अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आप सबको पता है कि मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का एक टॉपिक है जो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। तो और आप, मैं उम्मीद करता हूं कि घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, एकदम सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। और अब बाकी आप सबको मतलब एकदम घर पर पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। और अभी मतलब आप सबसे पहला काम ये है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप सबको एक रफ, एक पेन लेके बैठना होता है और जो भी आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उनके आपको जवाब देना होता है। ठीक है, तो पहले आप सबको गुड इवनिंग। और आप अगर मतलब वीडियो शेयर नहीं किए तो वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। और मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने पहले दिन बताया था कि कितने टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने बेसिक क्लास नहीं देखी है वो बेसिक क्लास ऊपर आप जब देखोगे, आपकी वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर एक कॉर्नर पे आई बटन दिखाई देती है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्या होगी पहली क्लास खुल जाएगी। तो वो आप वहाँ से बेसिक देखो। बेसिक में मैंने बताया कितने टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपका माइंड सेट इसी से पता चलता है। जब हमें पता होगा कितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, किस लेवल तक बनते हैं, तो वो बहुत आपके लिए ज़रूरी है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने जैसा कि बताया कि UPSI हो, UP लेखपाल की वैकेंसी हो, UP की कोई भी वैकेंसी हो, उसमें वो बहुत अच्छा वेटेज रखता है, 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर। और आप अगर मतलब रेलवे का देने जाएंगे तो उसमें 2 नंबर का वेटेज रखता है। तो 30 में अगर 2 नंबर आप समझ सकते हैं उसका बहुत वेटेज होता है, 1/15 हिस्सा, यानी कि लगभग 6% के आसपास होता है। तो 6% का वेटेज एक टॉपिक से होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो वो जो चीज़ें हैं आप समझने का प्रयास करें, टॉपिक को सीरियसली लीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसका नाम दिया गया है, ये मैथ के ही तरह आप में काम करता है, आपका दिमाग ही चेक किया जाता है। और मैंने मतलब एकदम पूरा प्रयास करता हूँ, मैं आज थोड़े बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मतलब अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। और रफ और पेन आप मतलब लेके बैठें। और वीडियो नहीं शेयर किए तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई एकदम मन से करते रहिए। ठीक है, और आज जिस व्यक्ति का मतलब जिन्होंने मतलब भारत छोड़ के विदेश चले गए, आप सबको पता है वो मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म वो है, मतलब उनको याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उस महान पुरुष को हम सब याद करते हैं, आज ही के दिन उन्होंने इंडिया छोड़ा था। तो वो मतलब आज के लिए उनके लिए सबसे मतलब हम सब उनको सलाम करते हैं, मतलब गोड़ धरते हैं, नमन करते हैं। तो उनके यादों के साथ आप उनके जज्बातों को समझते हुए जो आप सबको हम सब के लिए हमारे वीर सपूतों ने आज़ादी दिलाई है उसका उसको आप मतलब अच्छे से रहिए, उसका मतलब सदुपयोग करिए, देश को आगे बढ़ाने में अपनी एनर्जी को आगे लगाइए। क्योंकि आपके सफलता पर आपका देश डिपेंड होता है, आपका गांव डिपेंड होता है, आपका घर डिपेंड होता है, सब कुछ डिपेंड होता है। आपके आत्मनिर्भर बनने पर तब सर देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। ये जिसने कहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति नहीं आत्मनिर्भर बनाएगा, तो वहाँ से शुरुआत है। तो आज मैं सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करता हूँ, याद करता हूँ। उसके बाद अब मैं पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर पहले दिखाई दे रहा है आप उसे एक बार पढ़ें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। तो पहले आप करें, तब तक मैं उसको नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, ये क्वेश्चन है और आप सबको, आप सब पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे, करने का पूरा प्रयास करिए। तब तक अभी मैं पूरा क्वेश्चन नोट करता हूँ। देखिए,
पहले ध्यान से जब भी आप ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहला जो काम होता है कि क्वेश्चन में वो लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा एट द रेट का मतलब होता है प्लस, स्टार का मतलब होता है माइनस, ये आपका जो लिखा हुआ डॉलर, डॉलर का मतलब मल्टीप्लाई है, और कॉपीराइट सी का मतलब होता है डिवीजन है। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करने जाओगे, जब भी आपको पेपर मिला, जब भी आपको पेपर में कहीं भी दिखाई दे, तो ये सिंबल आप ऐसे एक मतलब आपको 10 सेकंड लगेंगे, आप ऐसे क्या करो नोट कर लो। अब अगर आपने नोट कर लिया तो हमेशा आपको क्या होगा, पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये आपके लिए, क्योंकि आप इससे गलतियाँ बहुत मतलब कम हो जाती हैं। ठीक है, आपको सामने जो सिंबल लिखा है, सिंबल के सामने वाला जो चिन्ह है वो उसका मतलब इंडिकेट कर रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर 872 लिखा हुआ है, पहले आप ध्यान से कैसे कर रहे होंगे, जो लोग पहली बार अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखें। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर 872 लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐट द रेट लिखा हुआ है, तो ऐट द रेट के सामने कौन सा सिंबल दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि प्लस, तो यहाँ पर जो ऐट द रेट है उसकी जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। यहाँ पर मैंने कहा कि 872 है, ध्यान से देखें थोड़ा सा, मैंने कहा कि ये जो आपका 872 है, ऐट द रेट की जगह पर आप क्या क्या आ जाएगा, तो आपने बोला प्लस, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, तो आपने कहा 647 लिखा जाएगा, डॉलर यहाँ पर बना हुआ, डॉलर की जगह पर कौन सा चिन्ह आ रहा है, तो आपने कहा मल्टीप्लाई का चिन्ह आ रहा है, कौन सा चिन्ह आ रहा है, तो मल्टीप्लाई का आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, तो 936 आ रहा है। ठीक है, 936 आ रहा है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, तो आपने बोला डिवाइड होता है, 72 होता है। यहाँ तक तो सबने किया होगा, सबने सिंबल लिखा होगा, थोड़ा अब तक तो सबके आंसर आने चाहिए थे। थोड़ा सा देखो ध्यान से कैसे, जिनके नए आंसर आ रहे हैं देखो बोर्ड पे आपका क्या कर रहे हो। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, हम सबको पता है, बोर्ड पे देखें, ये वाला जो 72 है इसमें डिवाइड होगा, तो मैं डिवाइड के बजाय मैं सीधा थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, देखिए 9 के पहाड़े से काटता हूँ, 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, ये डिवाइड रहेगा, 9 8 कितना हो जाएगा, तो अपने कहा 72 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समय सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि इसे मैं 4 से काट देता हूँ, 4 दून 8 होता है, ये हो जाएगा 4 दून 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 6 24। यहाँ तक ध्यान से देखें। फिर मैंने कहा एक बार क्या हो जाएगा, अब 26 और 2 दिखाई दे रहा था, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सबको पता ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 13 है। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका 8 है, 7 है, 2 है, प्लस में आपका कितना है, तो आपने कहा 6 है, 4 है, 7 है, और मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा, 13। कितना हो गया, 13 हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई होगा 7 × 3 का, तो हम सबको पता है कि यूनिट डिजिट जो आने वाली है वो 1 आने वाली। ध्यान से मेरी बात सुने थोड़ा सा, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। मैंने कहा कि 647 में 13 का मल्टीप्लाई करने के बजाय, मैंने कहा कि लास्ट में यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही वो क्या दिखाई दे रहा है, अपने कहा 7, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे, 3 है। हम सबको पता होता है कि 7 और 3 का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूनिट डिजिट हमारी 1 आती है, कितनी आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ वाली संख्या मुझे छोड़ दीजिए, क्या आएगी वो मुझे नहीं मतलब है। फिर प्लस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 8 है, 7 है, 2 है, यही लिखा हुआ है, 872 है। अब आप जब भी सरल करोगे तो ये 2 किसके नीचे आएगा, यूनिट डिजिट के नीचे आती है, इकाई का अंक इकाई के स्थान पर आता है, 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इकाई के स्थान पर ये मुझे पता चल जा रहा है कितना आएगा, 3 आएगा, इकाई के स्थान पर कितना आएगा, 3 आएगा। अब मैं अगर ऑप्शन चेक करूंगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इकाई के स्थान पर 3 सिर्फ और सिर्फ किसमें आ रहा है, तो आपके डी में आ रहा है, किसमें आ रहा है, आपके ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको पूरा गुणा भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर में जो सबसे ज़्यादा किसी बात की लड़ाई है वो टाइम की है। टाइम तो इतना ज़्यादा होता नहीं है कि अगर आपके पास टाइम होगा तो पेपर तो पूरा कर ले जाएंगे, लेकिन टाइम ही तो नहीं होता है। तो मैंने कहा कि जल्दी कैसे किया जा सकता, क्विक मेथड क्या हो सकता है, फास्ट कैसे कर सकते हो। हम सब जैसे देखेंगे यार 13 से मल्टीप्लाई करना है 647 में, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। मैंने कहा कि यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 7 में करिए, तो हम सबको पता है यूनिट डिजिट कितनी आएगी, तो आपने बोला 1 आएगी। यहाँ पर मुझे 872 में यूनिट डिजिट 2 दिखाई दे रही है, 2 + 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो कहने का मतलब जिसके ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 3 है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2,
वो आप करिए, थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है उसके बाद मैं बताता हूँ, आप जब तक करिए तब तक मैं नोट करता हूँ उसे। थोड़ा अपनी आप स्पीड बढ़ाएं, करने की क्षमता बढ़ाएं आप सभी लोग। आपको मैंने नंबर सीरीज पढ़ाया है, मैथ में इतना टॉपिक आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ाया है, अगर आपने सब कवर किया होगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके लिए बहुत आसान सा लग रहा होगा। ये एकदम मैथ का ही होता है, आपके माइंड पे ज़्यादा डिपेंड करता है आप कितना तेज सोच सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में। जो सिंबल लिखे होते हैं बीच में प्लस माइनस, उनका कोई वैल्यू अस्तित्व नहीं होता है। ध्यान से आप करते रहें। क्वेश्चन नंबर दो करते रहिए आप, जब तक मैं नोट कर रहा हूँ आपके आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दो का सल्यूशन, देखिए साइन इम्प्लीमेंटेशन मैंने एक टाइप का बताया था, टाइप फोर वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ 172, फिर माइनस में 42 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका प्लस में 92 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका 36 लिखा हुआ है, फिर आपका डिवाइड में 49 लिखा हुआ है, और इक्वल में आपका कितना लिखा हुआ 7312 है। आप प्रयास करते रहें फिर मैं बताता हूँ। यहाँ से आपका प्लस है एंड प्लस है एंड आपका डिवाइड है, बी वाला जो आपका पार्ट है वो आपका माइनस है एंड आपका क्या है, तो आपने बोला डिवाइड है, डिवाइड है। तीसरा जो आपका पार्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है, तो आपने कहा मल्टीप्लाई है एंड निगेटिव है। डी आपका क्या दे रहा है, तो आप करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड है एंड मल्टीप्लाई है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा प्रयास करें, जल्दी से बताने का प्रयास करें फिर मैं बताता हूँ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देगा जिसमें आपको ऑप्शन के द्वारा करना ही पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे शॉर्ट तरीका होता है करने का, वो मैं ए बी से नहीं चल के बल्कि मैं डी से चलना शुरू करता हूँ। अगर आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, साइन इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन आ जाएँ, कि आपको साइन अगर आपको पता करना है कौन सा इसमें साइन फिट होगा जिसके चलते वो 7312 आएगा, तो आपको क्या करना होगा कि ऑप्शन डी उठाएंगे, वहाँ से आप चलना शुरू करोगे। किससे चलोगे, डी से चलो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आंसर बी और सी के बीच में होते हैं, अगर आप इस साइड से चलोगे तो उतना ही सेम डिस्टेंस, लेकिन कभी कभी डी वाले ऑप्शन में पहुँचने में क्या होता है, हमको देरी होती है, इसलिए मैं हमेशा डी से चलना प्रारंभ करूँगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं पहला यहाँ पर साइन यूज करता हूँ, जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब होता है कि जहाँ डिवाइड है वहाँ पर आपको क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, और जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पर आपको क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे से करना शुरू करता हूँ। ये अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कहा कि 172 रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पर, माइनस 42 रहेगा, प्लस में 92 रहेगा अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइड लगाता हूँ, ध्यान से देखें, और यहाँ डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। क्या हम सबको पता है 92 में ये इसकी भाग जाने वाली है क्या, 92 में 36 की भाग जाएगी, पूरा कम्प्लीटली नहीं कटेगा, दशमलव में हमको आंसर तो आ नहीं रहा, हमारा आंसर तो पूर्ण संख्या में आ रहा है, 7312 आ रहा, पूर्ण संख्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगा, अगर इसको मैं कट करूँगा, तो ये दशमलव में मेरा आंसर आएगा, दशमलव मुझे चाहिए नहीं, और यहाँ से आप जो भी संख्या आएगी फिर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी वो दशमलव में ही रह जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा क्या करेगा, गलत हो जाएगा। समझने का प्रयास करें, ये वाला ऑप्शन क्या करेगा, गलत कर जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर माइनस करना, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या करना, मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर सी, मैं ऑप्शन नंबर सी को उठाता हूँ, ध्यान से थोड़ा सा देखें बोर्ड पर सभी लोग, अगर आप करना चाहोगे तो कैसे। देखो मैंने कहा कि अगर मैं ये कह देता हूँ 172 अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, माइनस की जगह आपको क्या करना, मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 42, प्लस अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा,
प्लस में आपको कोई डाउट नहीं, मल्टीप्लाई की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, तो आपने बोला माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और डिवाइड अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, कितना हो जाएगा ये। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 4 हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 36 में 9 की भाग दोगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपने बोला 92 प्लस आपका रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको आंसर निकालना 7300 में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। 172 का अगर 42 में मल्टीप्लाई करना है, इसका जब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको कितना दिखाई देगा, 7224 दिखाई देगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7224 दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, 7224। उसमें से अगर मैं देखो 92 में से पहले क्या करता हूँ कि पहले वी बोर्ड मास के हिसाब से चलोगे तो पहले जोड़ा जाएगा, पहले क्या करोगे आप जोड़ लो, देखो बोर्ड पे थोड़ा सा वी बोर्ड मास के अनुसार चलोगे तो 7224 है, उसमें 92 पहले ऐड करिए, 92 ऐड करोगे तो 4 2 6 होता है, 9 2 11 होता है, और यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 7316 हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, लास्ट में क्या करोगे, 4 घटा दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7312 आ जाएगा, 7312 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा क्लिक हो रहा, ऑप्शन नंबर सी क्लिक हो रहा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्लिक हो रहा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, साइन इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन आएंगे, तो आप हमेशा क्या करोगे, पीछे से चलना शुरू करिएगा, वो आपके लिए हमेशा बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। आप चलने को यहाँ से भी चल सकते हो, यहाँ से भी चल सकते हो, जो आपको अगर ऑब्जर्वेशन आपने थोड़ा सा समझ में, आपको मैथ अगर आपकी थोड़ी सी तेज है गुणा भाग करने में, तो ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, लेकिन आपको समझाना इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं ज़्यादा परेशान होते हैं, वो वाले क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार उसे आप पढ़िए, आंसर देने का प्रयास करिए, अगर आंसर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसे आप सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ता हूँ और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कहता है कि एक चिड़ियाघर में भालू और मोर हैं, एक चिड़ियाघर में भालू और मोर हैं, सिर गिनने पर वो 80 हैं और पैरों की संख्या 200 है, वहाँ कितने मोर हैं, वहाँ कितने मोर हैं, ये हमको बताना है। उनके सिरों की संख्या कितनी है, 80 है, पैरों की संख्या 200 है, तो हमसे पूछ रहा कितने मोर हैं, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आप कैसे करते हो, सबसे बेस्ट जो मेथड हो सकता है मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो आपने कहा बियर है, बियर मतलब भालू, बियर मतलब क्या हो जाएगा, तो आपने कहा बियर मतलब आपका जो हो जाएगा भालू हो जाएगा, ठीक है, बियर मतलब आपका क्या, भालू हो जाएगा। और दूसरा जो एक जानवर है, मतलब पक्षी है, पिकॉक है, कौन सा है, पिकॉक मतलब आपका सबको पता है, पिकॉक आपका मोर है, राष्ट्रीय पक्षी आपका जो है मोर है, वही है, ठीक है, पिकॉक आपका हो गया, पिकॉक, पिकॉक मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा मोर है, मोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या बताना है, पिकॉक की संख्या बतानी है, मतलब मोरों की संख्या बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए, तो आप सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, तो इसके लिए एक मतलब मैं छोटी सी ट्रिक लिखता हूँ, वो सबसे बेस्ट है। जैसे ज़्यादा, आप बोर्ड पर देखें, ज़्यादा पैर वाले जानवर, ये सिरों की संख्या किसकी निकलेगी, तो आप यहाँ पर जो निकलेगी ज़्यादा जिनके सर होंगे उनके वाले, जिनके ज़्यादा पैर होंगे, जैसे भालू के 4 होते हैं और पिकॉक के कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ जो निकलेगी ज़्यादा पैर वाले जानवरों की क्या निकलेगी, संख्या निकलेगी, क्या निकलेगी, संख्या निकलेगी। बोर्ड पर ध्यान से देखने का प्रयास करें, ज़्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या निकलेगी। अब हमको करना कैसे होता है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए क्या होता है कि ऊपर आप क्या लिखोगे,
कुल पैरों की संख्या लिखोगे, बोर्ड पे देखते रहें, ऊपर आप लिखोगे कुल पैरों की संख्या, ऊपर आप क्या लिखोगे तो आप कहोगे कुल पैरों की संख्या लिखोगे, नीचे आप क्या लिखोगे तो नीचे आपका लिखा जाएगा जिसके सबसे कम पैर वालों की संख्या, कम पैर कितने होंगे तो आप कहोगे दो कम पैर पैरों की संख्या लिखोगे, क्या लिखोगे कम पैरों की संख्या लिखोगे। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा जाएगा कुल पैरों की संख्या, नीचे क्या लिखा जाएगा कम पैरों की संख्या। पैर मतलब होता है कि जैसे आपका जो मोर है उसके दो पैर होंगे, आपका जो भालू उसके चार पैर होंगे, और यहाँ से क्या कर देना है सिरों की संख्या घटा देनी है, क्या घटानी है सिरों की संख्या घटा देनी है, सिरों की संख्या क्या करनी है घटा देनी, बस आपका क्वेश्चन खत्म। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, बियर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, गाय हो सकती है, हो सकता है गाय हो आपके कोई और पंछी हो, वो अलग मैटर है, जब भी आपको चार और दो पैरों वाले के जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा आप बिना कुछ सोचे समझे, देखो टोटल पैरों की संख्या क्वेश्चन में आपको कितना दिया, कुल पैरों की संख्या आपको कितना दिया हुआ, तो आपने कहा 200 दिया, बोलो हाँ या ना। और सबसे कम पैर कितने हो सकते हैं, मोर के ही हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं दो हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। किसी को यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। अब कुल सिरों की संख्या कितनी है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे कुल सिरों की संख्या आपकी कितनी है, 80 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 200 में 100 की भाग, दो की भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 100, बोलो हाँ ना। यहाँ से 80 अगर आप निकाल दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। 20 आपके क्या निकलेंगे, ये भालू की संख्या निकलेगी, 20 क्या निकलेगी भालू की संख्या, यानी यहाँ से मैंने बताया था ये किसकी संख्या निकलेगी, तो आपने बोला भालू की संख्या निकलेगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो है ना। 20 क्या निकल गया भालू की संख्या। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि कुल 80 जानवर हैं उसमें से 20 अगर भालू हो गए तो बचे हुए 80 में से 20 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे, आपने कहा 60। 60 आपके क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे हमेशा और हमेशा, क्योंकि 20 जानवर 20 सर वाले निकलेंगे, मतलब 20 सर निकला। अगर मैं कहता हूँ टोटल सरों की संख्या 80 है उसमें 20 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे, तो आपने कहा 60 बचेंगे। तो मैं कहता हूँ कि मोर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मोर की संख्या आप क्या करोगे 80 में से 20 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे आप हमेशा और हमेशा इस मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी आपके आंसर आ जाएंगे, एक्स और वाई मानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया अंदर जेन्युइन से, आपको हमेशा क्या करना है कुल पैरों की संख्या ऊपर लिखना है, कम पैरों की संख्या नीचे लिखनी, कम पैर का मतलब होता है दो, जिनके दो पैर होते हैं उनको लिखना होता है, और सरों की कुल संख्या क्वेश्चन में दिया रहेगा 100 200 जितना भी देगा सर वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ पर जो जिसके ज़्यादा पैर होंगे उनकी संख्या निकलेगी, और मैं क्या करूँगा जिनका पूछेगा उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगा, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, उसको आंसर बताइए, अगर कोई डाउट हो तो बोलिए उस पर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 उसको थोड़ा सा पढ़िए फिर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं सीधा सोल्यूशन पे आता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें कैसे सोल्यूशन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देंगे, अब तक आंसर जिनके आ रहे हैं बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है जेन्युइनली। देखें पी का मतलब गुणा है, तो मैंने बताया हमेशा आप ऐसे लिखोगे पी का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, ऐसे लिख लोगे। क्यू का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, तो आपने कहा भाग लिखी हुई, कौन सा चिन्ह है, तो आपने कहा भाग का। R का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ। R का मतलब क्या लिखा हुआ, तो आपने कहा प्लस है। R का मतलब क्या लिखा हुआ, तो आपने कहा प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R का मतलब आपका क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, आगे चलें। यस का मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा, ऋण लिखा हुआ, तो बस आप इतना लिख लोगे। अब आप क्वेश्चन ध्यान से लिखो, देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ 7,
7 मैंने लिख लिया। अब मुझसे कह रहा आर है, आर का मतलब क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, फिर यहाँ पर क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा, ये सबने किया होगा। फिर यहाँ पर लिखा हो पी है, पी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड पे ध्यान से देखते रहें आप सब लोग। उसके बाद यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, देखें पी हो गया 39 है, सॉरी ये 3 ना हो गया 39 है। फिर उसके बाद क्यू लिखा हुआ, क्यू का मतलब होता है भाग होता है, क्यू का मतलब भाग होता है, इसमें क्या लिखा हुआ 13 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 13 लिखा हुआ है। और लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ, यस लिखा, यस का मतलब होता है माइनस, और ये माइनस में आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस आप इसे सरल कर लीजिए, सबसे पहले वी बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवीजन किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। तो सबसे पहले मैं वो काम करूँगा, पहले भाग दीजिए 39 में 13 की भाग देने पर कितना आता है 3 आता है, मल्टीप्लाई 5 से करिए, और यहाँ से अगर आप 7 जोड़ दो, 5 या 15, और 15 और 7 कितना था 22 होता है, 22 में से अगर आपने 10 निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, तो अपने का 12। तो जिनके आंसर 12 आ रहे थे बहुत अच्छे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 उसको पहले आप करें, थोड़ा सा आसान वो भी है लेकिन आप पहले करें उसे एक बार, ठीक है, सेम इसी पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ। मैं सेम उसी मेथड से यहाँ पर लिखा हुआ जो आपका देखें, स्टार का मतलब क्या होता है, ये आपका मतलब हो जाएगा जोड़। यहाँ पर आपका जो बना हुआ है ये सिंबल एंड वाला, ये सिंबल एंड का होता है, इसे हम सब लोग एंड का सिंबल बोलते हैं, ये एंड का सिंबल आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एंड का मतलब क्या हो, यहाँ पर भाग दिया हुआ है। एट द रेट का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, तो अपने का गुणा दिया हुआ है। एंड परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, परसेंटेज का अगर आप अर्थ देखोगे तो वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है घटाना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन यहाँ पर 153 लिखा हुआ है, उसके बाद एंड लिखा हुआ, एंड का मतलब होता है डिवाइड, कितना है 17 है। फिर एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, तो अपने कहा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब कितना जाएगा 6, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। आप सबसे पहले डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना बार जा रहा होगा, 17 9 जा कितना होता है 153 होता है, कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 153 है, देखें 17 9 जा आपका कितना हो गया 153। मल्टीप्लाई आप कितना करोगे, तो अपने कहा 6 से, और माइनस कर दोगे 9 9 into 6 कितना हो जाएगा, तो अपने का 54 हो जाएगा। 54 में से अगर 9 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 45। तो जिनके आंसर 45 आ रहे होंगे बहुत अच्छे, जिनके नहीं आ रहे हैं आप चेक करो आप कहाँ से गलती कर रहे हो। लास्ट में एक वो छूट रहा है, ये वाला सिंबल प्लस 18 भी है, सॉरी प्लस आपका 18 है, तो यहाँ से आप प्लस 18 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, और 4 1 5 होता है, 5 1 6 63 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 63 आ जाएंगे। आंसर कितने आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं, ठीक है। जिनके आंसर 63 आ रहे हैं बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आसान सा क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे है, कुछ करना नहीं है, केवल प्लस माइनस करना है आपको, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जल्दी बताएं सभी लोग, ऐसा तो कोई नहीं जिसके आंसर नहीं आ रहे हैं, सबको आंसर आने चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करो आप सब लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को मतलब बेहद आसानी से, और ये टॉपिक आपको 2 से 3 नंबर दिलाती है, तो आप इसका वेटेज समझो, पढ़ाई एकदम सीरियसली करो, रेगुलरली करो, हमेशा रेगुलर करो, जिंदगी में जो काम आप रेगुलर करोगे उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी हमेशा बढ़ती और बढ़ती ही चली जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए आप हमेशा रेगुलर काम किया करिए। सफलता और असफलता के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो हमारी रेगुलरिटी होती है, वो डेडिकेशन होता है, वो वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है। सफलता का सबसे शॉर्टकट जो मंत्र होता है ज़िंदगी में, वो आपका होता है कि कितना आप परिश्रम कर पा रहे हैं ज़िंदगी में, वही सबसे बड़ा मंत्र है, और बाकी कोई मंत्र नहीं है। आप चाहे जितनी बातें सुन लीजिए, चाहे जितनी बातें कर लीजिए, लेकिन ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है वो आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है, सब कुछ आपको करना है। आपको कोई एडवाइस दे सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, ठीक है। पेपर में आपको बैठना है, सफर पेपर आपको लिखना है, पेपर आपको करना होता है, कोई और नहीं करता है।
तो ये बात आप समझने का प्रयास करिए, रेगुलर पर डे वीडियो देखिए, वीडियो में जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप रेगुलर आइए, हर टॉपिक का पूरा प्रॉपर नोट बनाइए और नोट को प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, और बाकी जो बुक आपके पास है उसको लगाते रहिए। आप देखिए कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उससे आपके हर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करिए, उसको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, पढ़ाई एकदम रेगुलर करते रहें, ठीक है। घर पर रहें, एकदम सुरक्षित रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान से, कहता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ प्लस का मतलब, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लाई हो। मैंने कहा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सिंबल पहले नोट कर लिया। माइनस का अर्थ अगर आपसे यहाँ क्या प्लस कह रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ अगर आप ध्यान से देखोगे वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड का अगर अर्थ अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपका क्वेश्चन है 15 है, माइनस की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, तो आप लिखोगे प्लस, बोलो है ना। यहाँ पर आपका जो अगला वो लिखा वो प्लस है, प्लस की जगह पर आप क्या लिखोगे, तो आपने कहा मल्टीप्लाई 25 लिखा जाएगा। और 10 डिवाइड है, 10 डिवाइड की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस 10 लिखोगे, बोलो है ना। सब लोग ऐसे कर रहे होगे। यहाँ से सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 125 में 15 ऐड कर दोगे तो 140 हो जाएगा, 10 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 130। सबके आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बोलो। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, साइन इम्प्लीमेंटेशन का है। आपको साइन इंटर करना है, साइन कैसे इंटर किया जाएगा ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ थोड़ा सा। पहले आप उसको देखो, आप प्रयास करो एक बार थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका लिखा गया है आप उसे लिख लें। पहले डिवाइड है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर बराबर है, फिर एंड है, फिर उसके बाद आपका क्या है, प्लस है। बी ऑप्शन आपका क्या है, ग्रेटर इक्वल है, बी ऑप्शन। थोड़ा सा मैं इसे समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ लास्ट में, और तीसरा ऑप्शन आपका देखेंगे, ये आपका क्या है, डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ लेस देन है, लेस देन का सिंबल है, उसके बाद एंड है, और उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, और लास्ट ऑप्शन आपका डी जो दे रहा है, डी आपका क्या दे रहा था, यहाँ पर ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, हमेशा पीछे से साइन इम्प्लीमेंट करोगे। अगर मैं पीछे से साइन इम्प्लीमेंट करता हूँ तो यहाँ पर देखो 29 × 9, ये हमको पता है कि 29 × 9 डिवाइड करोगे तो ये दशमलव में आएगा, किस में आएगा, दशमलव में। दशमलव के बाद इसमें कुछ जोड़ा जाएगा और बराबर में, तो ये चीज़ें देखो। अगर मैं कहता हूँ ध्यान से, यहाँ पर डिवाइड लगेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर आपका बराबर लगेगा, और यहाँ पर प्लस लगेगा। तो क्या आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देख पा रहे हो, ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, वो तो पूरा पूर्ण संख्या आ रही है। यहाँ पर लेकिन आपका क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में तो काम नहीं चलेगा। यानी कि ये वाला क्या करेगा, ये वाला मेथड मेरा, मतलब यहाँ से ये साइन इम्प्लीमेंटेशन क्या करेगा, नहीं करेगा काम। इस वाले को देखो जरा, लास्ट वाले इस सी वाले को देखो, सी वाले में पहले क्या है, डिवाइड है, देखो 29 डिवाइड में क्या लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई में 18 लिखा हुआ है, ध्यान से। फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, तो अपने यहाँ पर ग्रेटर लगा हुआ सिंबल, फिर ये क्या है आपका, यहाँ से जो देखोगे तो ये कितना है, 24 है, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 12। अब अगर ये मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बोर्ड पे, थोड़ा ध्यान से देखो, ये मुझे कटता हुआ दिख रहा है, 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 18 हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे कट जाएगा, ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 29 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ा जाएगा तो 58 होता है, कितना होता है, 58 होता है। और हम सबको पता होता 58 इज ग्रेटर देन किससे होता है, 36 होता है। ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप उसे घर पे करिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर उसके ज़रूर बताइएगा, कैसा आपको मतलब सेशन लगा है।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर किया करिए, अपने दोस्तों को बताइए, लोगों को ज़्यादा चैनल सपोर्ट करने को बोलिए। सब्सक्राइब चैनल, अगर आपने नया आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मतलब एकदम बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही क्लास आपकी स्टार्ट होगी आपको पता चलेगा। तो ये सब जो बेसिक जानकारी होती है आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो बाकी लोग भी बताइए, आपकी जिम्मेदारी होती है, और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, इसलिए क्लास आपकी लेक्चर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सॉरी। और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि लेक्चर आपके पूरे कंप्लीट लिए जाएँ, आपके डाउट ना हो, क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ कि रेलवे का जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो उससे पहले एक बार आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन बताऊँगा, सभी टॉपिकों को मिक्स करके एक साथ में कैसे मतलब करते हैं, क्योंकि मिक्स करने में ज़्यादा इंसान का माइंड शार्प होता चला जाता है। टॉपिक वाइज आप चीज़ें कंट्रोल कर ले जाएंगे, उसके बाद मिसलेनियस मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे रीजनिंग में भी उसी लेवल का कराऊंगा जिस लेवल का RRB NTPC और बाकी एग्जामों में आते हैं, तो लेवल आप तैयारी करें, मतलब पूरा कंप्लीट एक बार सिलेबस होने के बाद आपको तैयारी हमेशा अच्छी कराई जाएगी, ये मतलब पूरा भरोसा रखें। और एक बार पढ़ने के बाद जब आप पेपर देंगे तो आपको खुद ही एनालिसिस होगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें सब्सक्राइब के लिए शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितने भी आपके हैं IMO हो, हाइक हो, जहाँ भी हो आप सब जगह शेयर करें अपने पूरे सोशल नेटवर्क पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और घर पर रहें और सुरक्षित रहें, जितना कम हो सके उतना कम मूवमेंट करें, और हमेशा अगर आपको बाहर कोई काम आ रहा है तो बाहर जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन आप अगर हो सके तो मास्क लगाइए, हैंड ग्लव्स लगाइए, सैनिटाइजर जेब में रखिए, बेसिक जो एसेंशियल है COVID-19 से बचने का उसको लेके चलिए, बचते रहिए, घर पे रहिए, आपकी सुरक्षा आपके घर के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर आप असुरक्षित होंगे तो आपकी फैमिली पर इफेक्ट पड़ेगा, तो घर पर रहें, अच्छे से रहें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, खुश रखिए।